चलो अभी दवाई ले लो, आ जाओ। पी लो ना प्लीज की, पी लो। बाथरूम आ रहा नहीं आ रहा, फिर तुरंत गए वहाँ, डॉक्टर को भी फोन किया इन्होंने, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें ट्रीट किया। तो सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा ना, वैसे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया था अपने, जो हमें पता है कैसे मैनेज करना होता है चीज़ को, उस चीज़ के लिए दवाई नहीं होती। हेलो हेलो हेलो, ये है अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स, अ मेल नर्स। ये हैं 28 साल के शैलेंद्र, जो अपनी वाइफ एंड बेबी के साथ फरीदाबाद में रहते हैं और अपने दिन की शुरुआत घर के कामों से करते हैं। ऑनेस्टली पति हो तो ऐसा। इन्होंने चाय बनने के लिए रख दिया है और साइड बाय साइड ब्रश भी कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग भी जरूरी है जब समय कम हो। भैया आप हमेशा खुद ब्रेकफास्ट बनाते हो? नहीं, जनरली तो मैं और मेरी वाइफ बनाते हैं, बट अभी वो घर पे गई हुई है इसलिए मेरे को रेडी करना पड़ रहा है। बेबी के लिए भी बनाते हो कुछ? आज 3 महीने का हो गया मेरा बेबी, अभी तो मदर फीड पे ही है वो, उसके बेबी के लिए कुछ नहीं बनाना होता। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मेरे इन-लॉज रहते हैं बैतूल मध्य प्रदेश, मौसम थोड़ा ठंडा है, बेबी के लिए शायद वो कपड़े लेके नहीं गई है, तो उन्हें कवर करके रखा हुआ है बेबी को। और ये तड़का मार के डिलीशियस फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं अलोंग विद चाय, अरे वाह। शैलेंद्र शार के बाद अपने नर्स की यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉर्मल कपड़े पहनकर रेडी हो चुके हैं। भैया अपनी यूनिफॉर्म निकाली तो, पर आप पहन के नहीं जा रहे हो, क्यों? क्योंकि मैम मुझे पैदल जाना है, तो अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा तो धूल में गंदी हो जाएगी। फाइनली ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मैं टेस्ट कर लूं? हाँ जी प्लीज। यम यम यम। सो आज इनकी मॉर्निंग शिफ्ट है जो 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। शैलेंद्र सिर्फ आधे घंटे में तैयार होकर अपने काम के लिए निकल चुके हैं, भले उनकी मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो या नाइट ड्यूटी हो, वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने आप को उस रूटीन में ढाल लेते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर ऑफ कोर्स नर्वस भी हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल, लेट्स सी के दिन में क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलो। शैलेंद्र हॉस्पिटल वॉक करके जाते हैं, जो कि उनके घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल तक वॉक करते हुए वो अपने बेबी से बात कर रहे हैं, हाउ स्वीट इज दैट। शैलेंद्र फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में काम करते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में से एक है। हॉस्पिटल पहुंचते ही शैलेंद्र ने फटाक से अपना यूनिफॉर्म चेंज करके अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वो सबसे पहले हॉस्पिटल की इन्वेंटरी चेक कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कौन से आइटम्स कम हैं, ज्यादा हैं और क्या ऑर्डर करने हैं। भैया क्या कर रहे हो? ये हमें चेक करना होता है कि एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायर होता तो फिर वो सीएसडी भेजना होता है। लगभग 80% जो नर्सेज हैं वो विमेन होती हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा कुछ नहीं होता, सेम ही होता है, कुछ कुछ काम हमारे पास अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल नर्स हमारी में हेल्प कर देती है, उनके पास मेल पेशेंट हैं तो हम उनकी जाके उनकी हेल्प कर देते हैं, तो जनरल इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क, इस चीज़ से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब वो हॉस्पिटल वार्ड्स में जाकर पेशेंट्स का अपडेट ले रहे हैं, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम है, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली एक वार्ड से दूसरे वार्ड भागना पड़ता है। मैं तो कभी जिम में भी नहीं भागती यार। नाश्ता किया आपने? अभी नहीं किया ना? चलो ठीक है, नाश्ता करिए, कुछ भी दिक्कत होती है आप बेल बजा दीजिएगा। आप एक दिन में कितने पेशेंट्स हैंडल करते हो? हमारे पास जनरली 4-5 पेशेंट रहते हैं। और आप इतने पेशेंट्स की केयर कैसे कर लेते हो? करना पड़ता है, पार्ट ऑफ जॉब एंड ट्रेनिंग। बस हो गया बेटी, हो गया, देखो हो गया, देखो ये ऐसे बंद किया, ये ऐसे यहाँ से कट गया, ओके। तो आपको इतने सारे पेशेंट्स हैं, आप रोज डील करते होगे, मेंटल स्ट्रेस भी काफी रहता होगा ना? हाँ जी रहता है, बट कुछ खत्म होता है तो लाइफ की शुरुआत भी यही होती है। मेरा बेबी भी यहीं पे डिलीवर हुआ था और मेरी वाइफ से मैं यहीं मिला था, तो मतलब काफी खुशियां भी आपको देखने को मिलती है। हाँ जी, पेशेंट का कुछ लॉस होता है तो दुख हमें भी होता है, बट बहुत सारी चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, किसी को खुशी मिलती है, कोई बेबी पैदा होता है पेशेंट के, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और डॉक्टर इज हियर। जब डॉक्टर्स का राउंड होता है उनके साथ तो बहुत हेक्टिक हो जाता होगा। हाँ, वो भी डॉक्टर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन बोल के जाते हैं वो तुरंत करवाने होते हैं, ताकि हम पेशेंट का फर्दर एवेलुएशन कर सकें जल्दी से जल्दी। अभी RMO आए थे, अभी मेन कंसर्न का आना बाकी है, देन उनके फाइनल एवेलुएशन के बाद हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग चेकअप कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ लगी हुई है। शैलेंद्र ने हमें अभी बताया कि मेन डॉक्टर आने वाले, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज वंस ही कम्स।
आपकी आज ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं हुई? आज संडे था इसलिए नहीं हुई है वो, बट जनरली हमारी मंडे टू सैटरडे होती है डेली। और रोज होती है ट्रेनिंग? हाँ, पर ट्रेनिंग रोज क्यों हो रही है? ताकि हम सारी चीज़ें ध्यान रख पाएँ और हम 0% कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि हमारी मिस्टेक किसी की लाइफ और डेथ का इम्पोर्टेंट रखती है उस चीज़ के लिए। पकड़ना नहीं उसको, आराम से चल पाओगे आप, डोंट वरी। बहुत अच्छे देखो मंदिर है ना, राधे राधे कर लो सुबह, है ना। शैलेंद्र के काम में कंप्यूटर का काम भी इन्वॉल्व होता है, आप क्या अपडेट कर रहे हो? इसमें अपडेट करना होता है पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन सारे इसी में देखते हैं हम, और पेशेंट का जो मेडिसिन चल रहा है वो हमें इसी से इंडेंट करना होता है, ताकि फार्मेसी से टाइम भी इसको मंगवा सकें हम लोग। जो चीज़ जिस टाइम होती है वो उसी टाइम होनी चाहिए, नो डिले। एक बात तो इससे समझ आती है कि शैलेंद्र अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस एंड डिलिजेंट है। वो पेशेंट्स की छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, जैसे टाइम पे मेडिसिन देना, वाइटल्स चेक करना और उन्हें इमोशनली सपोर्ट करना। डॉक्टर्स को नहीं बताया अगर ब्लड इमोशन 4 बार हुए तो? चलो मैं आरएमओ को बता के आता हूँ इनको। अभी पेशेंट का बारे में डॉक्टर से बात करनी है तो हमारे पास कॉमन यूज डिवाइस होती है, सीयूजी होता है। प्लीज़ पर्सनल वाला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जब हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो हमें ऑन कॉल ऑर्डर भी लेते हैं, तो आरएमओ हमारे पास 24 आवर्स रहते हैं, तो उनसे हम राइट डाउन फाइल में करवा लेते हैं, क्योंकि बिना रिटन ऑर्डर हम मेडिसिन नहीं दे सकते। जनरली ये बचता रहता है कभी बेड बुकिंग्स के लिए, कभी डॉक्टर्स पेशेंट के बारे में पूछते रहते हैं। ये हमारे श्याम भैया हैं, टीम लीडर हैं हमारे, तो इसकी जिम्मेदारी इनकी रहती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें पास कर देते हैं किसी भी पेशेंट्स के रिगार्डिंग। सो डॉक्टर्स आ चुके हैं और अब शैलेंद्र उनको ब्रीफ दे रहे रिगार्डिंग द मेडिसिंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर, हेल्थ अपडेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके बाद शुरू हो जाती है इनकी और भी ज्यादा भागदौड़। चलो अभी दवाई ले लो, आ जाओ। इतनी क्यूट बच्ची और इतनी शरारत, बाप रे, इससे कैसे पंगा लेंगे अब हमारे नर्स। चलो दवाई लो अभी जल्दी। पी लो ना प्लीज, की पी लो। ओह, शैलेंद्र का पेशेंस लेवल वाकई काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं कि वो कितने प्यार से इस छोटी सी बच्ची को मेडिसिंस लेने के लिए मना रहे हैं। फैमिली के कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से कर रहे होते हैं, किसी अगर कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बंदा आ जाता है उनके साथ में तो वो फिर अपना कंसर्न अलग से रख देता है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, मतलब तो उसमें थोड़े वेरिएशन हो जाते हैं। कभी कभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं दिया। अभी हम यही बात कर रहे थे और लाइव एग्जांपल भी देखने को मिल गया। पता है कैसे मैनेज करना होता है चीज़ को, उस चीज़ के लिए दवाई नहीं होती। अभी चाय का पियेंगे, चाय पी लो यार अपनी, है ना। ये चाय जा रही है, अलग चाय पी लिया? नहीं पिया, चलो फिर पीते। हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हो आप? रखना पड़ता है सर, तो फिर हम बीमार हो जाएंगे तो पेशेंट केयर कौन करेगा? सब भी आ जाओ पी ले तो चाय, कहाँ चला जाओ चाय पी लो। चाय चाय चाय, कब मिलेगी चाय? ऊपर से काम भी आ गया। देखते हैं 4 मिनट वेट। जैसे अभी चाय के लिए जा रहा था, अभी कंसल्टेंट राउंड पे आ गए तो मुझे फिर राउंड बुलाने जाना पड़ेगा सर। अनफॉर्चुनेटली उनकी चाय फिर से कैंसिल हो गई है। 10 बजे आई थी चाय, अब 11 बजने वाले हैं, बट ही कांट हैव इट बिकॉज द डॉक्टर इज हियर। लेट्स सी वो कब पी पाते हैं। चलो फाइनली चाय पी लेते हैं अभी, चलो चाय पी लेते हैं, आ जाओ। फाइनली आपको जाकर अब ब्रेक मिले। हाँ जी, वो भी 1-2 मिनट्स का ओनली। तो आप इतनी जल्दी जल्दी पी लोगे? ये चाय ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है इसलिए। आई हैव डन माय टी। आप आगे पढ़ाई करने का भी सोच रहे हो? हाँ जी, इसके बाद पोस्ट भी ऐसे होता है जूनियर नर्सिंग के बाद, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ। उसमें हमें हायर पोस्ट मिलती रहती है, मतलब हमें क्या बोलते हैं प्रमोशन मिलता रहता है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल। कभी कभी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग भी मिलता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में ट्रेनिंग था, फिर स्टाफ नर्स हुआ, अभी स्टाफ नर्स की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ मैं। कभी कभी मुझे फिर टीम लीडर ही बनाया जाता है, जब भी हमारा टीम लीडर अवेलेबल नहीं होता टीम लीडर की ड्यूटी भी करनी होती है। तो आप लोग खुश हो अपने टीम लीडर से? बहुत ज्यादा। और तो जो होता है हायर पोजीशन में, वहाँ पे एवरेज जो सैलरी ब्रैकेट रहता है वो क्या रहता है? 45 के ऊपर। आपकी वाइफ भी काम करती है? हाँ जी, वाइफ मेरी जब प्रेगनेंट थी उससे पहले वर्किंग थी, बट अभी तो घर पे है, बेबी का केयर, वो भी नर्सिंग लाइन से ही है, नर्सिंग एज ए स्टाफ नर्स काम करती है वो भी। तो आपको एक साल में या एक महीने में आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं वैसे? मिनिमम हमारे 4 ऑफ होते हैं, और गवर्नमेंट हॉलीडेज और एक सीएल होती है। एक ऑफिस ड्यूटी में आपको थोड़ा बहुत फिर भी टाइम मिल जाता है, बट आपकी ड्यूटी में आप काफ़ी बिजी रहते हो, है ना? बिजी ड्यूटी की वजह से आज मैं मेरे पापा का बर्थडे भी भूल गया, तो अभी जाके उनको ड्यूटी के बाद विश करता हूँ। आज आपका डिस्चार्ज है।
ठीक है जी, तो मैं आपको दवाई बता देता हूँ क्या क्या घर पे आपको लेनी है, उनके बिहाफ पे मैं इनको मेडिसिन डिस्चार्ज मेडिसिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज आप डिस्चार्ज हो रहे हो, काफी अच्छा लग रहा होगा। हमारे शैलेंद्र जी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नाइट में हम सोते रहे और ये हमारी इतनी केयर करते रहे कि बाथरूम आ रहा नहीं आ रहा, फिर तुरंत गए वहाँ डॉक्टर को भी फोन किया इन्होंने, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें ट्रीट किया, यानी हम जब ये नहीं आए मॉर्निंग में याद कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। शैलेंद्र भैया, अभी आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ब्लेसिंग की वजह से ही जो पेशेंट का हमें आशीर्वाद मिलता है, उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है, इट्स मतलब ये बहुत अच्छा गिफ्ट होता है हमारे लिए। इट्स नोबल प्रोफेशन, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अर्निंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, पेशेंट के चेहरे पे जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है, स्माइल बेस्ट गिफ्ट फॉर अस। शैलेंद्र इज साइनिंग ऑफ फॉर द डे। जाने से पहले वो आफ्टरनून शिफ्ट की नर्स को पेशेंट्स के सारे डिटेल्स एंड फाइल्स हैंड ओवर कर रहे हैं। शैलेंद्र भैया, हो गए आप फ्री? हाँ, फ्री हो गया। आज तो काफी टाइम लग गया आपको, 2 बजे फ्री होना था, अब तो 3 बज रहे हैं। कभी कभी हो जाता है हैंड ओवर टेकिंग में, और अभी अगर कि कोई आईसीयू का पेशेंट आ जाए या फिर आईसीयू हमारे यहाँ से कोई पेशेंट आईसीयू जाए, तो कभी कभी 2 आवर्स भी हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हफ्ते में कितने दिन ऐसे ओवर टाइम होता है? मोस्टली हफ्ते में एक आध बार ही होता है, महीने में 2-3 बार। पूरा दिन अपने पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको थोड़ी बहुत उनसे अटैचमेंट तो हो ही जाती होगी, उस अटैचमेंट के साथ आप कैसे डील करते हो? हाँ जी बिल्कुल, अटैचमेंट हो जाती है हमारी पेशेंट के साथ, तो पेशेंट के साथ डील करना हमें सिखाया जाता है कि कैसे पेशेंट से IPR मेंटेन करना है। IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक मेरे पेशेंट याद आ गए, वो करीब 2 साल पहले सर्वोदय में रिकरेंटली एडमिट होते रहते थे। जब भी वो आते थे, उनका असाइनमेंट हमेशा एक कंसर्न रहता था कि मुझे बस शैलेंद्र देखेगा। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो 3 बजे मॉर्निंग में इमरजेंसी आए, तो उन्होंने कुछ भी मेडिकेशन लेने से मना कर दिया। इमरजेंसी से मेरे पास कॉल गया, मैं रूम से यहाँ पे आया हॉस्पिटल में, देन उसके बाद ही उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उनकी कुछ लाइफ स्टाइल ऐसी थी उनकी वजह से, और डिजीज कंडीशन की वजह से ही पास अब है, वो आज हमारे बीच में नहीं है, और इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हमारे साथ रहे। फ्री होते ही शैलेंद्र ने सबसे पहले अपनी फैमिली से बात करी है। इसे कहते हैं द रियल फैमिली मैन। पापा आ गए ड्यूटी से, पापा आ गए, काफ़ी लेट हो गया ना, क्या कर रहे हो? हेलो, मैं भी चाय बना रहा हूँ अभी। अरे वाह, फिर से चाय है ना, चाय के दीवाने हमारे शैलेंद्र। हमने देखा कि आपका पूरा दिन कितना स्ट्रेसफुल था, आपने कितनी भाग दौड़ करी, इतना ज्यादा काम किया। घर वापस आकर आप काम को अपने दिमाग में से निकालते कैसे हो, अपने वर्क लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं आप एकदम? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे रूम पे आके मेरे बीबी वगैरह अभी है नहीं यहाँ पर, तो उनसे बात करता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कॉफ़ी वगैरह लेता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, पार्क वगैरह घूमने चले जाते हैं, या कभी कभी मार्केट मूवी टाइम मिलता है तो। बट मैं हॉस्पिटल में, आपने मेरा काम देखा, वहाँ पे मैं मेरा 100% देता हूँ। रूम पे आने के बाद आई फॉरगेट हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल हॉस्पिटल भूल जाता हूँ, देन मैं मेरी पर्सनल लाइफ एंजॉय करता हूँ। मेरी तो एक ही जान है, और वो भी बहुत शैतान है। कभी कभी हमें टाइम मिलता है तो मैं मेरी वाइफ के साथ शिमला मनाली का टूर भी लगा के आता हूँ। मैं 2 बार जा चुका हूँ, बट अभी इस बार प्लान कर रहे थे तो बेबी की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। जैसा कि आपने देखा, घर आने के बाद शैलेंद्र जो है वो हाउस होल्ड चोर्स करते हैं, काम करते हैं, अपनी वाइफ के साथ मिलके उनको निपटाने के बाद वो डिनर करते हैं, बाहर चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और इसी के साथ वो अपना दिन एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, इस पे कॉमेंट जरूर करें, शेयर करें, और हमें बताएं आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, क्योंकि आपका अपना आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है।